Hey, Bottle. बड़ी जली बुनी दिखाई दे है? कहां मैं भूत दिखाई देती हूं? नहीं तो मैं चुड़ैल लगती हूं। तो फिर लोग मेरी सूरत में का देखते हैं? इसमें रखा है का? बहुत कुछ जिसे तू नहीं जानती। मेरी सूरत और मैं ना जानूं, खूब बोलता है रे। हाँ पारो, लोग अच्छे सुगुन के लिए तेरी सूरत देखते हैं। मुझे देख, जिस दिन तुझे नहीं देखता हूँ उस दिन मेरा सारा काम खराब हो जाता है। बस बस रहने दे। ये बता, मेरी पायल लाया? ओहो, वो तुझे कल जरूर मिल जाएगी। कल सुन सुन के मेरे कान पक गए। अब मुझे तेरी पायल की कोई जरूरत नहीं। अरे अरे सुन सुन, तो आज हातिम चचा से कुछ पैसा उधार लेना ही पड़ेगा। कहाँ भागी भागी जा रही है पारो? दो चार प्यार की मीठी मीठी बातें मुझसे भी तो करती जा। मेरी सूरत कोई इतनी बुरी तो नहीं जिसे देखकर तुझे बुखार आ जाए? देख रे भोला, कह देती हूँ, मुझे यह दिल लगी बिल्कुल पसंद नहीं। हट जा मेरे रास्ते से। इतनी जल्दी? अभी तो जी भी नहीं भरा, थोड़ी देर और ठहर जा। कुछ अपनी सुना, कुछ मेरी सुन। भोला, हाय हाय हाय, गुस्से में तू तो बिल्कुल बावरी लगती है। यही तो वो जाली मदा है जिस पर मैं मरता हूँ, जान देता हूँ। एक बार फिर बोल भोला, बोलना बोल। बोलती हूँ। तो मेरा नाम बेला नहीं, बेला। हाँ हाँ, जब लेगी तब देखा जाएगा। पहले एक मजे की बात सुन, भोला को भी ऐसा हाथ जमा कर आ रही हूँ कि उसे नानी याद आ गई होगी। आखिर क्यों? मुझसे प्यार जता रहा था ये मुँह और मसूर की दाल। मैं कहता हूं कि तू पैसा देगी या नहीं? नहीं दूंगी, एक पाई भी नहीं दूंगी। दारू पी पी कर तो सब कुछ बर्बाद कर चुका है, अब है क्या मेरे पास? बेटी जवान हो गई है, उसके हाथ कैसे पीले करने होंगे कभी सोचा भी है? चुप रह, मैं तेरी बकवास सुनना नहीं चाहता। पैसा निकाल, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बापू, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। कान खोल कर सुन ले, पहले अगला सूद और असल वापस कर। कर दूंगा चाचा, पर अभी तो 20 रुपया दे दो। अबे कब तक इस उधार पर अपना दिन काटता रहेगा है? का दारू वारू तो नहीं पीने लगा है? नहीं नहीं चाचा, मेरी मरी मां की कसम ले लो, इस 20 रुपए से तो मैं एक जोड़ा पायल खरीदूंगा। पायल खरीदेगा बरखुददार? किसके लिए? कौन है वो जिसके हाथों में रेशम की डोर बांधने चला है?
जी जी वो है ना वो जो भी हो, पर भतीजे अपना पेट तो भर नहीं सकता, दूसरों को खिलाएगा क्या है? चाचा बड़ी मेहरबानी होगी चाचा, दे दो चाचा। ले जा, अपनी मन की मुराद पूरी कर ले और फिर कभी उधार मांगने मत आएगा। हाँ नहीं नहीं चाचा, तोबा 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 तोबा, जा और कभी नहीं आऊंगा। मेरे घर जब आया है तो कुछ चाय पानी तो पीता जा। अगर बापू ने तुझे पैसे नहीं दिए तो बोल, मैं तुझे दे दूं। अपना पैसा अपने पास रख, मुझे तेरे पैसे की कोई जरूरत नहीं। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। अच्छा छोड़ इन बातों को, पहले ये बता कि तू पायल किसके लिए खरीदने जा रहा है? मेरे लिए ना? जा मुंह धो के आ। छोड़ छोड़ जाने दे। अबे भोला, तू क्या समझता है कि बीरू का नशे में इसको भी नहीं पहचानता? एक ट्रक लकड़ी की कीमत? नहीं काका नहीं, ये तो सिर्फ पेशगी है, पेशगी। नफा तो आधा आधा बांट लेंगे। तुम पहले धंधा तो करके देखो, मालदार नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। लो लो ना। क्या बात है पारो, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी से मारपीट करके तो नहीं आ रही है? दिल लगी छोड़ साजू, कोई बात है तो बोल, नहीं तो अपना राशन आप। बाप रे बाप, अभी तक तेरा गुस्सा नहीं उतरा? छूटा कहीं का, एक पायल के लिए कहा था, सो रोज रोज बहाना बनाता है। ये देख। तू तो सचमुच ले आया, मैं तो तुझसे अब तक मजाक कर रही थी, मगर इतने पैसे कहां से दूंगी? अरे तुझे पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे। तब तो मैं नहीं पहनूंगी, पहले बोल कि तू इसका दाम जरूर लेगा। अच्छा बाबा दे देना। पर एक साथ नहीं दूंगी, हाँ हर महीने 50 पैसे ले लेना। बोल मंजूर है? हाँ मंजूर है, ले अब पहन ले। धरती भी झूमे देखो झूमे गगनवा, धरती भी झूमे देखो झूमे गगन, मोरी जब जब बाजे पायलिया, मस्ती में फूलों को झूमे पवन, मोरी जब जब बाजे पायलिया। चुमी पवन मोरी जब जब बाजे पायलिया, धरती भी झूमे देखो झूमे गगनवा। गोरे पाँव में छनके जो पायल, गोरे गोरे पाँव में छनके जो पायल, सारी नगरिया हो सुन सुन के घायल। हो गोरे गोरे पाँव में छनके जो पायल, सारी नगरिया हो सुन सुन के घायल, सारी नगरिया हो सुन सुन के घायल, नदिया भी होए बावरिया। मस्ती में फूलों को झूमे पवन, मोरी जब जब बाजे पायलिया। चन 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 न न न न, चन 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 न न न। मस्ती में फूलों को झूमे पवन, मोरी जब जब बाजे पायलिया, धरती भी झूमे देखो झूमे गगनवा। Thank you.
जच रही है, तेरे गोरे गोरे पांव में बड़ी ही सुंदर लग रही है। किसने दी? साजू ने? तू काहे को मरी जा रही है? बोल तो मैं तुझे दे दूं? जो किसी की दया पे जिए वो किसी को क्या दे सकता है। ठीक से रखना इस प्यार की निशानी को, कहीं खो गया तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। मुंह संभाल के बात किया कर, साजू मेरे बचपन का दोस्त है। बड़ी आई दोस्त वाली, दिन रात तो उसके साथ मुंह काला करती फिरती है और बनती है पारसा। तेरे जैसी कलमुही तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो अब देख ले। ये तो खानदान की पहलवान मालूम होती है। सरकार, अरे बाप रे, मेरी टोपी। आप जाइए। रास्ते में लड़ाई करती हो, शर्म नहीं आती? चलो चलिए। सलाम साहब, आप लोग कौन है साहब? आई हमसे पूछता है कि हम कौन हैं? अबे ये छोटे सरकार हैं और हम इनके खास ड्राइवर रुस्तम। बेटा अब ये बता कि तू कौन है? मैं साजू हूँ, यहाँ का चौकीदार। माफ कीजिएगा मालिक, मैं आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, पर मालिक आपके आपके कपड़े,
अबे तू नहीं समझेगा, रास्ते में सरकार शेर की खाला से टकरा गए थे। शेर की खाला? पर यहाँ तो छोड़ो इन बातों को, आओ अंदर चले। ये बंगला तो बहुत खूबसूरत है और ये जगह भी अच्छी है। हाँ सरकार, बड़े सरकार को भी ये जगह बहुत पसंद है। अच्छा मियाँ चौकीदार, ये बताओ यहाँ खाने पीने का क्या इंतजाम है? सब कुछ है, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भाई चौकीदार, जरा जल्दी जल्दी करो। आइए मेरे साथ, आइए। काहे को तू हर वक्त झगड़ा फसाद करती रहती है, इसमें तुझे क्या फायदा मिलता है? देख बेला, मुंह संभाल के बात किया कर, मैं झगड़ा थोड़ी करती हूँ। अरे उसी ने तो पहले मुझे गाली दी, कहने लगी कि मैं साजू से प्यार करती हूँ। तू ही बता, साजू से मेरा कोई गलत रिश्ता है? वो तो मेरे बचपन का साथी है, जी चाहता है कि मार मार के उस चुड़ैल का मुंह बिगाड़ दूं। बिगाड़ तो मैं भी सकता हूँ रानी, पर सोचता हूँ इसमें मेरा क्या फायदा। साजो से तू प्यार करती है और पारो से मेरा कोई लगाव नहीं। हाँ अगर दो चार पैसे की बात निकले तो फिर कोई तरकीब सोचूं। हैं? तू पैसे की कोई फिक्र ना कर, मुझे हर दाम पर साजू चाहिए, उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी भोला। तो फिर डाल दे इसमें कुछ और चुपचाप देखती जा, तेरा काम कैसे फटाफट होता है। पर भोला अभी तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं, कल ले लेना। चलो ठीक है। साजू साजू, जब हो गया पारो, ये तो हमारे मालिक हैं। मालिक हैं? वी मां, वी मां, वी मां, क्या नाम है उसका? पारो सरकार, बीरू चाचा की बेटी, बड़ी चंचल है पर मन की है बहुत अच्छी। उसने ये सब कुछ अनजाने में किया है सरकार, मैं उसे समझा दूंगा, वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। ठीक है ठीक है, जाओ अपना काम करो। सलाम सरकार। वहां गई तो एक दुबला सा आदमी डन बैठक कर रहा था। वीमा मैं तो डर गई, फिर पांव दबाकर साजू को खोजने दूसरे कमरे में गई। देखा कोई मुंह ढापे सो रहा है। साजू समझकर जैसे ही मैंने उसे जगाया तो वीमा वो साजू नहीं कोई और था। मैं फौरन उस पर लपक पड़ी और चोर चोर चिल्लाने लगी। इतने में साजू आया और उसे देखते ही बोला, पारो ये चोर नहीं हमारे मालिक है। वीमा आपका होगा बेला, तू ही बताना। जो होना था सो हो गया, अब चल साजू से जाकर पूछे, कहीं तेरे लिए बेचारे की नौकरी तो नहीं चली गई। चल चल। मां, तेरी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद करता आया हूं, समझी? पर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक चले,
तेरा का? तुझे कैसे समझाऊं? पारो ने तो तुझ पर जादू कर रखा है। रानी, मुझे परेशान मत कर, जा अपना काम कर। साजू। साजू, साजू, साजू। अरे बोलना का है? साजू भैया, पारू ये पूछने आई है, तुम्हारी नौकरी है या चली गई? नौकरी बच तो गई, पर कहीं छोटे सरकार ने तुझे पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा। क्या करेगा वो मेरा? अरे तू नहीं जानती पारो, वो बड़े घुसपर आदमी है। तेरे जाने के बाद वो इतनी बड़ी छुरी निकाल लाए और कहने लगे, कहाँ है वो छोकरी, मैं उसकी बोटी बोटी करके चील कब्बू को खिला दूंगा। वो तो मैंने हाथ पांव जोड़कर उनके गुस्से को ठंडा किया है। अरे रे सुन पारो, बोटी बोटी करके चील कब्बू को खिलाएगा, मैं भी देखती हूँ कैसे खिलाता है। अगर उसे छट्टी का दूध याद न दिलाया तो मेरा नाम पारो नहीं पारो। आखिर करेगी का ये तो बोल। करूंगी का। सुन समझी? खरीयत तो है सरकार, मालूम होता है आप लोग रात भर नहीं सोए। क्या सोऊंगा खाक, यहाँ तो भूतों का राज है, जाने डैडी कोई जगह कैसे पसंद आई। तुम मेरे जाने का बंदोबस्त करो। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है, हमने तो आज तक कोई भूत प्रेत नहीं देखा। अबे तू तो भूतों के साथ रहते रहते खुद ही भूत बन गया है, तुझे क्या भूत दिखाई देगा। चलिए सरकार, यहाँ जान खतरे में है। मैं फिर कहता हूँ सरकार, आप लोगों ने जरूर कोई परछाई वरछाई देखी होगी। इसके बातों में ना आइए सरकार, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को जाए। चलिए सरकार, देर ना कीजिए। मुझ पर भरोसा कीजिए मालिक, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है रुस्तम, एक दिन और रुक कर देखते हैं। जैसे आपकी मर्जी सरकार। चला था मुझे बोटी बोटी करके चील कौओं को खिलाने, पारो को वो नहीं जानता। ऐसा हाथ भी और दिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जयबर पलवान तो मारे डर के मांगो मांगो बोल रहा था। पारो, अरे पारो, एक मजे की बात जानती है? मजे की बात? हाँ, अपने छोटे सरकार ने कल रात को बंगले में भूत देखा है। ए, भूत भूत
हाँ हाँ भूत, और मारे डर के सुबह सुबह भागे जा रहे थे। वो तो मैंने समझा बुझा कर उन्हें रोक लिया है। अब तू ही बता पा रो, बंगले में कोई भूत है? मैंने तो कभी नहीं देखा। और तूने बेला? मैंने भी नहीं। ये शहरी लोग दिल के बड़े कमजोर होते हैं, झूठ मूठ डर जाते हैं। छोड़ इन बातों को साजू, आज रात नन्नी के ब्याह में नहीं जाएगा? बड़ी धूमधाम से नाच गाना होगा। नहीं पारो, मैं नहीं जा सकूंगा। आज रात भर मुझे पहरा देना पड़ेगा। डर से बिचारों का बुरा हाल हो रहा है। अच्छा अब मैं जाता हूँ। अब क्या होगा पारू, साजू तो रात भर पहरा देगा। कोई फिक्र की बात नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगी। कुछ भी हो बाबा, मैं और तेरा साथ नहीं दूंगी। जा जा, मत देना।
डरता काहे नहीं? उई मां, का होगी इसे? भूत बेगम, अपनी पायल तो लेती जाओ। वी माँ। क्या बात है सरकार, आप हंस क्यों रहे? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुमने ठीक ही कहा था साजू, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, सब मेरी नजर का धोखा था। जाओ सो जाओ। साजू। अरे पारो, अरे जानती है पारो, कल रात मेरे डर से बंगले में कोई भूत प्रेत नहीं आया। अब छोटे सरकार कहते हैं ये सब उनकी नजर का धोखा था। सच साजू, तू ठीक कहता है कि तेरे बाबू ने कोई भूत नहीं देखा? अरे बिल्कुल नहीं, ये शहरी लोग भी दिल के बड़े कमजोर होते हैं। जरा परछाई वरछाई देख ली, बस घड़ों पसीना आ गया। पर साजू, ये शहरी लोग अच्छे भी होते हैं ना? यही देखना, कोई उल्टा सीधा बहाना तो बना सकता था। ये कह सकता था कि मैंने ये देखा, वो देखा, इसको देखा, उसको देखा, है ना बेला? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, मेरे मालिक ऐसे नहीं। चल बेला, चल चल। अरे रे, कुछ खाएगी पिएगी नहीं? नहीं भैया, भूख मर गई, फिर कभी खा लेंगे। चल। वाह वाह, क्या खूबसूरत जगह है, कितना सुकून है यहाँ। रुस्तम जी सरकार, आज हम लोग यहीं ठहरेंगे। यहीं ठहरेंगे? अबे हाँ यहीं। जी जी, यहीं ठहरेंगे, यहीं ठहरेंगे। उई माँ, अब क्या होगा? क्या सरकार, रात भी यहीं गुजारने का ख्याल है? इसमें बुराई क्या है? तुम जाकर खाने पीने का सामान और बिस्तर ले आओ। उई माँ, अब हम लोग कैसे जाएंगे बेला? कैसे जाएंगे, ये सब तो तेरे लिए हो रहा है। सरकार, इन लड़कियों की किस्मत अच्छी थी जो आपके हाथ ना आई। अल्लाह बचाए आपके गुस्से से। मुझे अच्छी तरह याद है सरकार, जब सुंदरबन में एक शेर ने आपके साथ बदतमीजी की थी तो आपने उसकी खाल उतारी थी। बेला, अब बेला बेला चिल्लाने से का होगा, चुड़ैल कहेंगी। ओ, तो तुम लोग यहाँ हो। उतरो 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 उतरो। क्या नाम है तुम्हारा? पप, 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 पप। पापा क्या? और तुम्हारा क्या नाम है? बे, 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 बेला। बेला, ये तो फूल का नाम है। तो तुम ही ने मुझे भूत बनकर डराया था। मगर क्यों? ऐसा ही। ऐसे ही अब और शरारत करोगी? नहीं। और तुम? नहीं बाबा, नहीं। कान पकड़ो, पकड़ो, वहां पकड़ो। बैठो बैठो बैठो,
शाबाश, तुम भी बैठो। बाप रे बाप। उठो उठो। उठिए। ये लो, खाओ खाओ। मजा है? मजा है। और खाओगी? नहीं। ठीक है, जाओ खड़ो। हेलो, अरे पारो, यहां खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? आजकल तू बड़ी चुपचाप रहने लगी है। कुछ नहीं साजू, जाने मुझे का हो गया है, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। जी करता है कि मैं यूं ही चुपचाप रहूं। अरे पगली, अगर तूने हंसना बोलना छोड़ दिया तो ये गांव सूना हो जाएगा। अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए हंस बोल ले। अरे पारू, आजकल तो तू इसका चांद बन गई है। कहाँ रहती है, क्या करती है, कोई पता नहीं चलता। आखिर क्या हो गया तुझे? मुझे क्या हो गया? मुझे वही तो मैं पूछती हूँ। कहीं बाबू ने बोलना बोलना क्या हुआ? लाज लगे, लाज लगे मोहे सखी, कैसे कहूँ क्या हुआ? दिल को मेरे लेके कोई दर्द मुझे दे गया है, तौबा ये क्या हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। लाज लगे मोहे सखी, कैसे कहूँ क्या हुआ? दिल को मेरे लेके कोई दर्द मुझे दे गया। खोट नहीं, पर गांव वालों को कौन समझाए जो पारो और साजो के मेलजोल को बुरी नजर से देखते हैं।
फिर का करूं बेटा, किसी की आंखें तो नहीं फोड़ सकती, दोनों बचपन के साथी हैं। फिर दोनों का ब्याह कर दे काकी। सोचती तो हूँ, पर तेरे काका नाराज हैं, कहते हैं कि उसके पास है ही का जो पारो को खिला सके। काका सचमुच दूर की सोचते हैं काकी, साजू तो कौड़ी कौड़ी का मोहताज है। पर बेटा, उस जैसा सारे गांव में कोई लड़ा भी तो नहीं। ये बात तो ना कहो काकी, उससे भी अच्छा लड़का है अपने गांव में, कमाई धमाई में, चाल चलन में, पर उसकी तरफ कौन नजर करे। किसकी तरफ कौन नजर करे भोला, का बात है, आज तू इधर कैसे आ गया? अच्छा काकी, अब मैं चला। भोला का कह रहा था माँ, तेरी शादी ब्याह की बात। वो कौन होता है मेरी शादी ब्याह की बात करने वाला, मैं कह देती हूँ माँ इसे मुंह मत लगाना। रास्ता उधर नहीं, इधर है। ओए माँ, जानती है किसी के घर में चोरों की तरह दाखिल होना कितना बड़ा जुर्म है? मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं बाबू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पुलिस में ना दो। तो फिर मैं तेरे बाप से शिकायत करके तुझे सजा दिलवाऊंगा। ऐसा गजब ना करो बाबू, बापू मेरी चमड़ी खींच लेगा। एक शर्त पर मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। ऊका बाबू, तुझे गाना सुनाना पड़ेगा। गाना सुनाना पड़ेगा? हाँ गाना। सुनाती है या मैं तुझे? सुनाती हूँ सुनाती हूँ। शाबाश, गाओ गाओ। चल के कगैया बेकी चुनरिया, ऐसा न देखो सावरिया, ऐसा न देखो सावरिया, पसंद आया? नहीं, फिर से गाओ। चल के कगैया बेकी चुनरिया, ऐसा न देखो सावरिया। 21 कैसा मजा आ रहा है? रुक क्यों गई, जल्दी जल्दी कर। ओए अल्लाह, मेरी कमर टूट गई, अब मुझसे क्या नहीं जाता, माफ कर दो ना ड्राइवर साहब। फिर ड्राइवर साहब कहा? रुस्तम साहब बोल, ड्राइवरी तो मेरा पेशा है पेशा। रुस्तम साहब, अब मुझे माफ कर दो ना, और ऐसे कभी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मगर एक शर्त पर। ऊका, तुझे मुझको सारा गांव दिखाना पड़ेगा, मेरे साथ घूमना फिरना पड़ेगा, कभी नीले आसमान के नीचे, कभी समुन्दर के किनारे, और कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर मुझसे रोमांटिक यानी प्यार की मीठी मीठी बातें करनी होगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। एक शर्त पर मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। ऊका बाबू, तुझे गाना सुनाना पड़ेगा। गाना सुनाना पड़ेगा? हाँ गाना।
सुनाती है या मैं तुझे? सुनाती हूँ, सुनाती हूँ। शाबाश, गा गा। चल के कगरिया बेकी चुनरिया, ऐसा ना देखो सावरिया, ऐसा देखो सावरिया, पसंद आया? सरकार इस गांव में सब कुछ है, दया, धर्म, प्यार, हमदर्दी, इसीलिए तो यहाँ के सारे लोग गरीब होने पर भी मन के धनी हैं। साजू, मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि दो एक दिन रहने के बाद शहर वापस लौट जाऊंगा, मगर अब तुम्हारे इस गांव से मुझे कुछ मोहब्बत हो गई है। मालूम होता है मेरी जिंदगी की तमाम आरजू यहीं पूरी हो जाएगी। आइए सरकार, नौका हाजिर है। चलो। लहरों में
लहराए, लहरों में लहराए। पश्चिम के पेड़ों में शाम ढली जाए रे, वो पल खाती नदियाँ लहरों में लहराए, लहरों में लहराए। तुम देहाती तो बहुत अच्छा गा लेते हो। बस सरकार, यूं ही हम लोग मन के दुख को प्यार की आग में जलाते हैं। ये लड़की भी बड़ी अजीब है। इसे अजीब ना कहिए सरकार, ये हमारे गांव की जिंदगी है। इसकी पायल की मधुर झनकार पर खेत जागते हैं, नदियां बल खाती हैं, पेड़ों पर कोयल कूकती है। अगर कभी ये आवाज बंद हो गई तो सारे गाँव की खुशियां छिन जाएंगी, गाँव सुना हो जाएगा, शायद किसी और की भी। जी कुछ नहीं, आओ चले। आह, कितनी प्यारी जगह है। तूने कभी शहर देखा है बेला? नहीं ड्राइवर साहब। कई बार कह चुका हूँ ड्राइवर साहब नहीं, मिस्टर रुस्तम यानी रुस्तम डार्लिंग। नाम तो तुम्हारा रुस्तम है पर ये डार्लिंग का है। तुम और भी कोई नौकरी करते हो? अरे धत, ये कोई नौकरी का नाम नहीं। हम शहरी अपनी महबूब को प्यार से कभी स्वीट हार्ट कभी डार्लिंग के नाम से पुकारते हैं। तू भी आज से मुझे डार्लिंग कहना है। जी, तुम बड़े बेशरम हो। अरे बस शर्मा गई, अभी तो इस मोहब्बत में बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे, कभी गाना गाना होगा, कभी बॉल डांस करना होगा। मैं कह को शहरी बनने जाऊं? आई, तुम उसे प्यार नहीं करेगी, बोल नहीं करेगी तो मैं जहर खा लूंगा और मरने से पहले दुनिया वालों को वसीयत कर जाऊंगा कि भाइयों दिल न लगाना, दिल न लगाना, दिल न लगाना किसी पहाड़न के भाइयों। दिन रात खाली नशा करेगा, जवान बेटी घर में बैठी, उसका भी कुछ ख्याल है? चुप रह, मुझे सब ख्याल है। मैं तो अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कराऊंगा जो मुझे थैली भर कर रुपया दे। तो तू बेटी को बेचना चाहता है? तू बाप है या जल्लाद? जो भी समझ ले, अपना तो यही उसूल है। तो फिर झोंक दे उसे किसी जहन्नम में, पकड़ा दे किसी लंगड़े लूले का हाथ। ज्यादा बक बक मत कर, जा अपना काम कर। कल छोटे सरकार तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तू। बस बस रहने दे, मैं सब जानती हूँ। यही कह रहे थे ना कि मैं बड़ी अजीब हूँ, भोली हूँ, सुंदर हूँ। अरे ये सब तू कैसे जान गई? जान गई, मंत्र जो आता है मुझे। फिर ये मंत्र मुझे भी सिखा देना ताकि मैं भी किसी के मन की बात जान सकूँ। ठीक है, सिखा दूंगी, वक्त आने दे। कहाँ जा रही? सीप चुनने। बाबू तुम हो, इधर कैसे आ गए? तुझसे मिलने बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ तुझे। काहे को बाबू? एक बात बतानी। बात बतानी? फिर यहीं बैठ जाओ ना। हाँ हाँ बैठो।
अब बोलो का है पारो। तूने कभी किसी को दिल दिया है? काहे को मजाक करते हो बाबू, अरे दिल भी कोई देने की चीज है, ये तो यहाँ धक धक करता है। बड़ी भोली है पारू, जब से मैंने तुझे देखा है जाने मुझे क्या हो गया, हरदम तेरी सूरत मेरी आंखों में रहती है, ऐसा लगता है कि मुझे तुझसे प्यार हो गया है। प्यार? ये क्या होता है बाबू? क्या होता है? वही जो किसी का दिल तेरे लिए और तेरा दिल किसी के लिए धक धक करता है। वी माँ, सच बाबू? नूरे, मैं क्या जानू रे, प्यार व्यार होता है क्या, मैं क्या जानू रे, तू ही जाने रे, तू ही जाने रे, तू ही जाने रे, तू ही जाने रे, मैं क्या जानू रे, मैं क्या जानू रे, प्यार व्यार होता है क्या, मैं क्या जानू रे, तू ही जाने रे, तू ही जाने रे।
पीरू काका का मालूम होता है। कहीं पीरू काका भी तो? हाँ, ये तेरे काका का है। कहाँ से मिला तुझे? रास्ते में पड़ा था। अच्छा किया बेटा कि तू लेता आया, नहीं तो तेरा काका पूरे घर को सर पे उठा लेता। जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा है उसकी अकल भी मारी जा रही है। अब जाता हूँ काकी। अरे बैठेगा नहीं? फिर कभी। अरे साजू, इधर कैसे आ गया? का बात है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ ने तो कुछ नहीं कहा। बड़ा अकड़ दिखाता है। माँ, माँ, साजू कहे को आया था? तेरे बाबा की कान की बाली देने, रास्ते में उसे गिराया था। ओह, तो इसके लिए मुंह कहे को लटकाए हुए था? मैं तो समझी थी कि तूने उसे कुछ बुरा भला कहा है। मैं कहे को कुछ कहने लगी? ये तो बड़ा गजब हो गया काका। कहीं साजू की नजर तुम्हारे कान की बाली पर पड़ गई ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। वो जाकर अपने मालिक से सब कुछ कह देगा। जिसके सीने में काला बाल होगा वही बीरू के खिलाफ बोलेगा। वैसे साजू मेरी बड़ी इज्जत करता है, वैसा कभी नहीं करेगा। वो अलग बात है काका, पर नमक भी तो कोई चीज है, जिसका खाए उसी का गुण गाए। ये ले साजू, दे क्या है? अब तो तेरे होश हवास भी जाते रहे। साजू ने कुछ कहा? कहेगा का, नेक लड़का है जो दे गया। अगर चोर का कोई पता चला? अब तक नहीं सरकार। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ सरकार। चोर का पता जल्द से जल्द लगना चाहिए साजू, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। धीरे चलना अभी प्यार मेरा यहाँ सो रहा है। हवा धीरे बहना घटा धीरे चलना अभी प्यार मेरा यहाँ सो रहा है। हवा धीरे बहना ये मासूम चेहरे पे जुल्फों के साए, मासूम चेहरे पे जुल्फों के साए, कहीं तुमको मेरी नजर लग न जाए, कहीं तुमको मेरी नजर लग न जाए, नजर लग न जाए। हवा धीरे बहना घटा धीरे चलना अभी प्यार मेरा यहाँ सो रहा है। हवा धीरे बहना ये हुस्न तुम्हारा
सितम क्यों न ढाए, ये हुस्न तुम्हारा सितम क्यों न ढाए, कयामत भी देखे तो नजरें चुराए, कयामत भी देखे तो नजरें चुराए। हवा धीरे बहना घटा धीरे चलना, अभी प्यार मेरा यहाँ सो रहा है, हवा धीरे बहना चाहता है मुकद्दर जगानी, ये जी चाहता है मुकद्दर जगानी, तुम्हारे लबों से मोहब्बत चुरानी, तुम्हारे लबों से मोहब्बत चुरा लूं, मोहब्बत चुरा लूं। हवा धीरे बहना घटा धीरे चलना, अभी प्यार मेरा यहाँ सो रहा है, धीरे बहना घटा धीरे चलना, अभी प्यार मेरा यहाँ सो रहा है। तुम कब आए हो बाबू? काफी देर हो चुकी। फिर तुमने मुझे काहे को नहीं जगाया? इसलिए कि शायद तू कोई मधुर सपना देख रही थी। तुमने ठीक कहा बाबू, मैं सचमुच बहुत प्यारा सपना देख रही थी। देख रही थी कि तुम मेरे पास आए, हौले से मेरे कान में कुछ कहा और वीमा मैं लाज के मारे जमीन में गिर गई। सच पारो? हाँ बाबू, मेरा सपना सच्चा है। मुझसे वादा करो, तुम मेरा मन तो नहीं तोड़ोगे, मुझे दगा तो नहीं दोगे? तू मुझ पर भरोसा रख पा रो, मैं अपने प्यार को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। बाबू तूने ठीक कहा था साजू, इस गांव में दया धर्म प्यार सभी कुछ है, सिर्फ महसूस करने वाला दिल होना चाहिए। हाँ सरकार, मन ही तो सब कुछ है, अगर ये किसी की खातर ना धड़के तो हमारी तुम्हारी जिंदगी का बस एक पल में अंधेरा। इसलिए तो इंसान अंधेरों से घबराता है, उजाले के तलाश में आसमान जमीन एक कर देता है, और जब उसे रोशनी मिल जाती है तो खुशी से पागल हो जाता है। का सरकार, इसीलिए आप बहुत खुश हैं? हाँ साजू, मैंने इस गांव में एक चांद देखा है, जिसकी छिटकी हुई चांदनी में मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। साजू, तूने कभी किसी से मोहब्बत की है? काहे को पूछते हो मालिक, हम देहाती तो इसी प्यार के सहारे जिंदा है, वरना हमारी भूख तो जाने कब का हमें मार कर रख देती। मैंने भी एक लड़की को मन दिया है जो बहुत भोली है, बड़ी चंचल। बड़े खुश नसीब हो, क्या नाम है उसका? जी, नाम उसका, उसका नाम सरकार। क्या है रुस्तम? सरकार, आपका खत है।
तू मुझ पर भरोसा रख पारो, मैं अपने प्यार को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। तुम बड़े कठोर हो बाबू, मन लेकर भी तड़पाते हो। जानती तो मैं तुमसे कभी प्यार ना करती। अगर जी चाहे तो अब भी ना कर। ऐसा ना कहो बाबू, ऐसा ना कहो। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। हम पहाड़ी जब किसी को मन दे देते तो फिर कभी वापस नहीं लेते। हमारी जान भी चली जाए पर दगा नहीं देते, यही ना। अरे पगली, वक्त आने पर हम शहरियों को भी आजमा लेना, हम भी प्यार को निभाना जानते हैं, समझी? अब मैं चली बाबू, फिर मिलूंगी। कितनी नाजुक है, कितनी भोली है। तू झूठ बोलता है। पारो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर तूने फिर कभी पारो के खिलाफ कुछ कहा तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। अबे कपड़ा छोड़, बड़ा दामी है भोला, जो कुछ भी कहता है सच कहता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो बाबू के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। आंखें कभी कभी धोखा भी खा जाती है। वो बूढ़ी आंखें होंगी साजू। पारो तुझे धोखा दे रही है, तुझे बेवकूफ बना रही है, तेरे सीधेपन का फायदा उठा रही है। भोला तू, मगर याद रखना साजू, मैं ये थप्पड़ तुझे एक ना एक दिन जरूर लौटा दूंगा। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, जाओ। का बात है साजू, कुछ बोल तो सही। क्या बोलूं, बोलने की बात हो तो बोलूं। भोला का तो दिमाग चल गया है। कह रहा था कि तू बाबू से हंस हंस कर बातें करती है, मैंने ऐसा थप्पड़ दिया है कि फिर कभी ऐसी बात नहीं करेगा। अरे तू किस सोच में पड़ गई, कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गई? नहीं। हाँ, भोला कभी झूठ नहीं बोलता। पारो साजू से नहीं, सहरी बाबू से आंखें लड़ा रही है। चल झूठा कहीं का। अब तो उधर का पानी इधर जरूर बहेगा, पर मेरे लिए एक नया कांटा पैदा हो गया है जिसे हटाने के लिए खैर देखा जाएगा। का है ड्राइवर साहब? ओ, ओ तोबा तोबा, रुस्तम साहब। ये टेप रिकॉर्डर है, ये खुद ही गाता है और खुद ही हंसता है। अरे तू नहीं समझेगी, इसे ट्विस्ट नाच कहते हैं। हाँ तुझे भी सिखा दूं। हाँ अब छोड़ दो ना ड्राइवर साहब। ओह तोबा तोबा, रुस्तम साहब। प्यार करने वालों को लोग बुरी नजर से काहे देखते हैं बाबू? जलते हैं पारो, और इसीलिए वो उन्हें बदनाम भी करते। क्या तू भी बदनामी से डरती है पारो? नहीं बाबू, मैं काहे को डरूं? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, बस अपने मन में प्यार को बसाया। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती बाबू।
मैं तुझसे दूर कहां हो पारो, तू मेरी धड़कनों में है, सांसों में है और मेरी जिंदगी है। अब मैं चली, माँ ढूंढ रही होगी। बंगले में रात को इंतजार करूंगा, आएगी ना? आऊंगी, जरूर आऊंगी। तू आ गई परो? हाँ बाबू, मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं, ये आवाज कैसी है? चलो देखें। घर से बाहर कदम निकालते तुझे हिम्मत कैसी हुई? बेशरम कमीनी! सलाम सरकार। सलाम। तुम आज बड़े खोए खोए नजर आ रहे हो। यूं ही सरकार, इस मन का क्या भरोसा, घड़ी में दुखी घड़ी में सुखी। ज्वार भाटा जो ठहरा। कभी कभी तुम बड़ी अजीब बातें करने लगते हो साजू। हाँ, तुमने अब तक उस लड़की का नाम नहीं बताया जिसे तुम प्यार करते हो। रहने दीजिए सरकार, फिर कभी बताऊंगा। क्यों, अभी बता दो। उसका नाम पारो है सरकार। पारो? उस पहाड़ी के पीछे वाले गांव में रहती है। हम दोनों बचपन से एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए। ये आसमान, ये पहाड़, सभी इस बात के गवाह हैं कि हम दोनों में कितना प्यार है। पर अब हमारे बीच सोने चांदी की दीवार खड़ी कर दी गई। अब आप ही बताइए छोटे सरकार, हम गरीबों के पास प्यार के सिवा है ही क्या? जिसे भी ये बड़े लोग छीन लेना चाहते हैं, हम जिए कैसे? हम जिए कैसे? आपकी चाय ठंडी कर दी। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ माँ, वो दगाबाज नहीं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा।
वो मुझसे प्यार करता है। तू मुझे ना रोक माँ, मुझे जाने दे। हर माँ अपने बच्चे का सुख चाहती है, मैं भी तेरी माँ हूँ। अगर तू इसमें खुश है तो मैं भी खुश हूँ, पर ना जाने मुझे क्यों डर लगता है पारो, कहीं तू ठोकर ना खा जाए। तू फिक्र ना कर मेरी अच्छी माँ। बाबू तू यहां से चली जा पारो, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता। बाबू तूने मुझे धोखा दिया है, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। तेरी भोली भाली सूरत को देखकर मैंने ये समझा था कि तू जंगल का वो फूल है जिसे रात के होठों ने अब तक नहीं छुआ। लेकिन ये मेरी भूल थी, तू एक जहरीला कांटा निकली। ये सब तुम क्या बोल रहे हो बाबू, मैं तो कुछ नहीं समझी। क्यों कर समझेगी, तूने ना कहा था कि हम पहाड़न जब किसी को मन देते हैं तो फिर कभी वापस नहीं लेते। फिर साजू से कैसे ले लिया, बताओ कैसे ले लिया? झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने तो सिर्फ तुम्ही को मन दिया, साजू से मेरा कोई लगाव नहीं। मैं सच कहती हूँ बाबू, मुझ पर यकीन करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी। तेरी आंखों के आंसू आप मुझे फरेब नहीं दे सकते। ये नाटक बंद कर और निकल जा यहां से। तू झूठा है, कमीना है, नीच है। मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया और न तुझे कभी चाहा। मुझे कहा मालूम था कि तू मेरी दोस्ती का दूसरा मतलब निकालेगा और इसे प्यार का नाम देकर मुझे बदनाम करेगा। पारो मेरी बात तो सुन। मैं साफ सुन चुकी हूँ जो कुछ तूने बाबू से कहा है। तूने अपनी गर्जी के खातिर मेरे मन में आग लगा दी है साजू, मेरे अरमानों का खून कर दी। ये ले, जिसे मैंने एक दोस्त की निशानी समझ कर लिया था और आज मैं एक प्राणी को लौटा रही हूँ। मैंने आपसे जो कुछ कहा था छोटे सरकार, वो बिल्कुल झूठ था। मैं पारो की दोस्ती और हमदर्दी को प्यार समझ बैठा था। मैंने उसे बदनाम किया है, उसके मन को ठेस पहुंचाई है। वो आपको चाहती है, उसे आपसे प्यार है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। ये सब तुम क्या कह रहे हो साजू? जो सच है वही कह रहा हूं मालिक। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई थी। ये भूल नहीं है साजू, इसे गुनाह कहो। तुमने दो दिलों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर दी। अब मैं उसे कैसे आवाज दूं? वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। ऐसा न बोल मैं, ऐसा न बोल। मेरा बाबू इतना नीच नहीं है, उसने मुझसे प्यार किया है और मैं यकीन से बोलती हूँ मां, वो अभी मुझे चाहता है। अगर चाहता तो फिर मुंह काहे को फेर लिया, आंखें काहे बदल ली? ये सब साजू का किया धरा है मां, उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाना चाहा, बाबू के मन में शक डाल दिया, ये सोच करके कि मैं उसके हो जाऊंगी। पर मां मैं जहर खा लूंगी, समुंदर में डूब मरूंगी, पर वो मुझे कभी नहीं पाएगा। पारो फिर तू किस लिए आया है और कहां जाता है? चला जा यहां से, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहती। चला जाता हूं पारो, बाबू तेरा इंतजार कर रहा है, जाके मिल ले। बाबू, बाबू पारो।
मुझे माफ करते पारो, मैंने तुझे गलत समझा था। जी बाबू ऐसा न कहो, मैं तो तुमरी थी और सदा तुमरी रहूंगी। पारो बाबू पारो, देख लिया ना, तूने जिसे अपना समझा था वो भी तुझे ठुकरा कर किसी और के साथ प्यार का ढोंग रचा रही है। तू हार गया साजू। तू क्या समझेगी रानी, प्यार की जीत तो खोने में है, पाने में नहीं। और फिर जिंदा रहने के लिए इंसान को दर्द ही तो चाहिए, सो मिल गया। पर साजू मैं अपने आप को इस तरह धोखा नहीं दे सकती, जानबूझकर अपने प्यार का गला नहीं घोट सकती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे रानी, मुझे भूल जा, मुझे भूल जा रानी, तू मेरे प्यार को नहीं पा सकती। ले इसे पहन ले, पाँव खाली नहीं रखते। पर बाबू ये साजू का नहीं मेरे प्यार की निशानी है, संभल कर रखना कहीं खो ना जाए। तुम फिक्र न करो बाबू, इसे खोने से पहले मैं खुद ही खो जाऊंगी। अब तो इसकी छनक मेरे दिल की धड़कन बनकर रहेगी। पारू बाबू। हाँ काका, अगर मैं झूठ कहूं तो जो चोर की सजा सो मेरी सजा। पारो हर रोज बाबू से छुप छुप कर मिलने जाती है। तो मामला इतनी दूर तक पहुंच चुका है, मेरे दुश्मन के बेटे से मेरी ही बेटी प्यार करे, ये कभी नहीं हो सकता। सांप का बच्चा सांप ही होता है। तो फिर काका डसने से पहले सर काहे को नहीं कुचल देते। बाबू तुम अब तक जाग रहे हो? कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं बाबू, जरा प्यास लगी थी सो उठी थी पानी पीने। फिर पानी पीकर सो जा। अच्छा बाबू। अभी तक नहीं आई, कोई बात तो नहीं हो गई?
कोई हुई तो निगाहें तड़प उठी। आहट कोई हुई तो निगाहें तड़प उठी। हर शय है जैसे तेरा ही साया लिए हुए, दिल में नजर में तेरी तमन्ना लिए हुए। ढलने लगी है रात, नजारे भी सो गए, ढलने लगी है रात, नजारे भी सो गए। आ जाओ अपने प्यार का वादा लिए हुए, दिल में नजर में तेरी तमन्ना लिए हुए। बैठे हैं इंतजार की, बैठे हैं इंतजार की, दुनिया लिए हुए, दिल में नजर में तेरी तमन्ना लिए हुए। मालूम होता है सरकार, आप रात भर नहीं सोए। हाँ साजू, सारी रात मैं उसका इंतजार करता रहा, मगर वो ना आई। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? इसमें फिक्र करने की कौन सी बात है सरकार, काम काज रहा होगा, सुना सकी। जरूर भोला ने काका का कान भरा होगा, जब भी तो रात जाग रहे थे। मेरा भी यही ख्याल है बेला, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अगर तू बाबू से मिले तो कहना कि मैं क्यों ना आ सकी, बड़ा घबरा रहा होगा। तू अभी जाकर काहे को नहीं मिलती? अभी पापू जो घर में है, मैं रात को मिलूंगी। समझ लिया था कि मेरी आंखें उम्र के साथ साथ कमजोर हो गई है, मेरे जीते जी तू उस बाबू को अपना नहीं बना सकती। बापू, जिसके बाप के जुल्म की कहानी इन घोरों के निशान से झांकती है, अब मैं उसी कहानी को दोहराऊंगा, उसके बेटे से अपना बदला लूंगा। चल मेरे साथ, चल मेरा दिल बार बार कह रहा
कि पारो जरूर किसी मुसीबत में है, वरना वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तुम मुझे उसके घर ले चलो साजू। उसके घर? मगर मगर वगर कुछ नहीं, तुम मुझे ले चलो। आइए सरकार। चलो आइए सरकार। सरकार आप यहां ठहरिए, मैं जरा चारों तरफ देख लूं। पारो अंदर है सरकार, आप जाइए, मैं यहां हूं। इधर से जाइए। पारो पारो बाबू बाबू तुम आ गए। हां पारो। अब तुम जाओ बाबू, अब तुम जाओ। अगर बापू ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा, तुम्हारी जान खतरे में है। मैं मौत से नहीं डरता पारो, आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। किधर की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मैंने तेरे बापू का क्या बिगाड़ा है जो हमारी मोहब्बत की राहों में अंगारे बिखेर रहा है? ये कहां का इंसाफ कि किसी की जुर्म की सजा किसी और को दी जाए? अगर मेरे बाप ने तेरे बापू पर कोई सितम ढाया तो इसमें मेरा क्या कसूर? इसलिए कि सांप का बच्चा सांप ही होता है। बापू काका सुबह होते ही साजू सारे गांव को बता देगा। उसे भी हाथ पांव बांध कर इसी जगह में फेंक दे जहां वो भूखा प्यासा खुद ही मर जाए। तू खूनी है, मैं सारे गांव को बता दूंगी तूने बाबू को मार के उसे दरिया में बहा दिया। अगर चाहती है कि तेरा सुहाग उजड़ जाए तो बता दे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाबू
मैंने कहा था ना साजू, मैं तेरी थप्पड़ एक न एक दिन जरूर लौटा दूंगा। मुझ पर जितना जी चाहे जुल्म कर लो, पर ये बता दो कि छोटे सरकार कहां है। जहन्नम में। क्यों? सुनकर दुख हुआ तो फिर इस दुख को अपने सीने में लगाकर इसी कोठरी में भूखा प्यासा गुट गुट कर मजा। तो तुम लोगों ने छोटे सरकार का खून कर दिया, मैं भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है रे? जल्दी आओ, कोई आदमी मरा पड़ा है। अरे ये तो मरा नहीं, जिंदा है। चल जल्दी से घर ले चले। चलो। झूठ, बिल्कुल झूठ। बाबू मुझे छोड़कर कभी नहीं भाग सकता। माँ माँ तू ये बताना मेरे बाबू को क्या हुआ, वो कहाँ है? माँ बोल, बोलती काहे नहीं? माँ, ओ बाबू, मेरी जिंदगी उजड़ गई है पारो, मेरे तमाम ख्वाब अधूरे रह गए। अब मैं तुझे कभी नहीं देख सकूंगा पारो, कभी नहीं देख सकूंगा। समझ में नहीं आता कि मुझे किस गुनाह की सजा मिली। अगर खुदा को मेरी आंखों की रोशनी लेनी थी तो फिर मुझे जिंदा क्यों रखा? मुझे जिंदा क्यों रखा? मुझे जिंदा क्यों रखा? दो दिन हो गए, अब तक छोटे सरकार और साजू का कोई पता नहीं चला। समझ में नहीं आता आखिर क्या बात है। तूने पारू से पूछा था? उससे क्या पूछूं, वो तो खुद ही बाबू के खोज में बावड़ी हो गई है। दिन रात पहाड़ों में जंगलों में भटकती फिरती है। हाँ रानी, तुझे कुछ पता चला? नहीं बेला, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भोला का हाथ है। उफो, अपनी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। बाबू, ये पारो कौन है? पारो कौन है ये तू कह रही है? क्यों ना कहे, अब मेरी आंखें जो खो गई हैं। मैं चंपा हूं, तुम मुझे भूल समझ रहे हो बाबू। क्यों मेरा मजाक उड़ा रही है? आंखें चली गई तो क्या हुआ, मेरे कान तो धोखा नहीं दे सकते। वही आवाज, वही बात करने का अंदाज, वही पायल की चनक, ये सब कैसे भूल सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं। हां बाबू, तुम भूल कर रहे हो, ये पारो नहीं, हमारी बेटी चंपा है। चंपा? फिर मैं कहां हूं, यहां कैसे आ गया? मेरी मेरी पारो कहां है? बताओ मेरी पारो कहां है? Thank you.
पल भी नहीं रह सकता, जाने पारों पर क्या गुजर रही होगी। जिद न करो बाबू, तुम अच्छे हो जाओ तो मैं तुम्हें ले चलूंगी। पहाड़ी रास्ता है, पूरा दिन लग जाएगा। कुछ भी हो चंपा, तू मुझे ले चल, अभी इसी वक्त ले चल चंपा, ले चल। ठीक है बाबू, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो कल सवेरे चंपा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। चलो बाबू घर चलो। लो काका, पूरा 500 है, अब तुम अपना कॉल पूरा करो। मर्द की जबान एक होती है भोला, जा कल बारात लेकर आ। कल ये बारात नहीं आएगी भोला, मैं तुझ जैसे लुच्चे लफंगे को अपनी बेटी कभी नहीं दूंगी। पारोगी माँ, बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बारात जरूर आएगी, ये शादी होगा नहीं रहेगी। क्या भोला, ये मैं कैसे यकीन कर लूं भोला कि साजू का पता तुझे नहीं मालूम? तू जानता है पर बताएगा नहीं। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए इस सफेद झूठ से। अगर साजू का पता मुझे मालूम होता तो क्या तुझे नहीं बता देता? मैंने तेरा बहुत खाया पिया है, इतना नमक हराम तो मत समझ। चल तेरी बात मान लेती हूँ, पर साजू के साथ साथ ये शहरी बाबू कहाँ गुम हो गया? कहीं तूने तो... रानी जवान संभाल, मैं तो अब तक मजाक समझ रहा था। आहा बिगड़ता काहे को है, मैं तो कह रही थी कि अगर आज शहरी बाबू यहाँ होता तो क्या पारो से तेरा बिया होता? मैं जान दे दूंगी बेला, पर भोला से कभी ब्याह नहीं करूंगी। मैंने बाबू को अपने तन मन से चाहा, उसके बिना मेरी जिंदगी सुनी है। अगर मैंने उसे इस दुनिया में नहीं पाया, मरने के बाद उसे जरूर मिलूंगी। मेरा एक काम कर देना बेला, ये ले। अगर बाबू कभी लौट कर आए उसे ये दे देना, कहना कि पारू तुमने थी और सदा तुमने रहने के लिए जान दे दी।
धीरे धीरे चलो बाबू, रास्ता लंबा है, थक जाओगे। नहीं चंपा, मैं नहीं थकूंगा। तूने कभी किसी से प्यार किया है? चुप क्यों है, बोल ना। हाँ बाबू, पर वो नहीं जानता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। बड़ी अजीब बात है, तेरी मोहब्बत भी कितनी खामोश है। तेज चलो बाबू, काफी दूर जाना है। चलो काश मेरी आंखें होती।
तो उसे दूर से एक बार देख लेता। ये तो पारू की आवाज है। रुस्तम सर, रुस्तम ओमू, वो मुझे बुला रही है। रुस्तम, रुस्तम वो मुझे बुला रही है। रुस्तम बाबू, मैं आ रही हूँ। मुझे बुला रही है रुस्तम, रुस्तम वो मुझे बुला रही है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मगर तू मुझे भूल जा पारो, अब मैं तेरे काबिल नहीं रहा। मैं अंधा हो गया हूं। तुम अंधे हो गए, तुम अंधे हो गए तो क्या हुआ बाबू? मेरी आंखें जो है तुम मेरी आंखों से देखोगे। मगर मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता पारो, नहीं सकता। ऐसा ना कहो बाबू, ऐसा ना कहो। तुमने बिना तो मेरी जिंदगी सुनी है। पारो, पारो! आज तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे जीते जी बाबू तेरा कभी नहीं हो सकता। आज मैं तेरे प्यार के इस नाटक को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। खबरदार साजू, अगर किसी ने बाबू के बदन में हाथ लगाया तो मैं यहां की जमीन लाल कर दूंगा। जाओ बाबू, बारो को अपने संग ले जाओ, वो तुमरी है। अब तुम दोनों के बीच में कोई भी दीवार खड़ी नहीं हो सकती। रुक जाओ। आइए सरकार। चंपा, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी लाश जमीन पर तड़पती भी नजर आएगी।